अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैदा फलक, इंटरनेशनल कराटे चैम्पियन और AIMIM मेंबर। अभी सबसे पहले तो 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 2018 में ही कह दिया था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ नीदर नेसेसरी नॉर डिज़ायरेबल फॉर आर कंट्री एट दिस स्टेज। 10 साल तक उसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। लेकिन अब फिर 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने पब्लिक के और सभी ऑर्गेनाइजेशंस के राय और सजेशंस मांगे हैं इसके ऊपर, और ये BJP के एजेंडा में बहुत पहले से ही था। उनके मैनिफेस्टो में था कि आर्टिकल 370 हटा देंगे, राम मंदिर बनाएंगे और UCC लाएंगे। तो 370 तो हटा दिया, राम मंदिर का भी हो गया। तो अब हो सकता है कि पार्लियामेंट में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बिल लाई जाएंगी, और उत्तराखंड में जो है ऑलरेडी इसका ड्राफ्ट बन गया। तो ये UCC को लेके BJP के लीडर्स और नेशनल मीडिया एक प्रोपेगेंडा चला रही कि जो है इससे मुसलमान औरतों का फ़ायदा होगा, क्योंकि मुसलमान औरतों पे बहुत जुल्म ज़्यादती होती, उनको बराबर का हक नहीं मिलता, इक्वल राइट्स नहीं मिलते। तो UCC आएगा तो जो है इससे मुसलमान औरतों का फ़ायदा होगा। भाई मुसलमान औरतों का तो छोड़ो, इससे कोई भी मज़हब के लोगों का फ़ायदा होने वाला नहीं है, इससे सबका नुकसान ही है। और रही बात मुसलमानों की, मुसलमान औरतों को जो है 1400 साल पहले ही हमें हमारा हक दे दिया गया था, राइट्स दे दिए गए थे, मुकाम दे दिया गया था। तो हम नहीं चाहते कि हमारे शरिया लॉ में कोई चेंजेस आए। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को रिजेक्ट करते हैं, और ये सभी मज़हब के लोगों का नुकसान होगा। इंडिया इज़ अ मल्टी रिलीजियस कंट्री, जहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, कल्चर्स है, और अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं। तो सब हर रिलीजन के पर्सनल मैटर्स के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज है। अब जैसा हिंदूज़ में जो है हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट है, और प्रॉपर्टी डिस्पोजिशन एक्ट है हिंदू, तो वो सब चले जाएंगे। और उनको जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ को जो टैक्स रिबेट मिलता है वो भी ख़त्म हो जाएगा अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो। फिर क्रिश्चियंस का अपना पर्सनल लॉ है, पारसी लॉ अलग है, सिखों का जो है आनंद मैरिज एक्ट है, ट्राइबल्स के अपने अलग रूल्स होते, उन लोगों में पॉलीएंट्री भी रहता, फिर लोगों के प्रॉपर्टी के रूल्स अलग रहते। तो ये सब हटा के एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का कोई मतलब ही नहीं है। कानून लाना है तो कोई ऐसा कानून लाना जिससे सबका फ़ायदा हो रहा, कोई बेमतलब का कानून लाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम जो है इसकी मुखालिफत करते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरपरस्ती में जो है मजलिस की जानिब से और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो है हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब से भी उन लोगों ने मुलाकात की थी। तो KCR हमारे चीफ मिनिस्टर KCR सर ने भी ये कह दिया है कि वो इसको अपोज करेंगे। और कल औरंगाबाद में भी जो है असद साहब ने सभी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को बुला के इसके ऊपर कॉन्फ्रेंस की है। तो हम सबको चाहिए कि हम इसकी मुखालिफत करें, अपने अपने राय और सजेशंस जो है 15 जुलाई तक ज़रूर दें। ये चीज़ का अंदाज़ा देख लीजिए, हम उत्तराखंड के ड्राफ्ट से ला सकते हैं। जैसा कि बोल रहे वो इद्दत हटा देंगे और इद्दत पीरियड हटा देंगे, और डिवोर्स ग्राउंड जो है सबके सेम रहेंगे। तो देखिए, अब वो लोग बोल रहे कि मुसलमान औरतों का इससे ये फ़ायदा होगा कि जो है 50% प्रॉपर्टी दी जाएंगी। शरिया के हिसाब से 25% प्रॉपर्टी जो है औरतों को देना है। भाई हमारे पास 25% इसलिए है क्योंकि इस्लाम में पूरे फाइनेंशियल बर्डन जो है वो पूरा मर्दों पर है, पूरा मेल्स पर है। घर के एक्सपेंसेस के खर्चे, फाइनेंशियल खर्चों की जिम्मेदारी पूरी जो है बाप की रहती, बेटे की रहती, भाई की रहती। औरत को कोई एक्सपेंसेस का जो है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। शादी के बाद भी एक बीवी के खर्चे उसका शोहर उठाता, औरत के ऊपर कोई एक्सपेंसेस की जिम्मेदारी नहीं है। अगर एक औरत कमाना चाहिए तो वो कमा भी सकती, लेकिन वो पैसे वो अपने आप पे खर्चा करो या घर पे खर्चा करो वो उसकी मर्ज़ी है। और जब निकाह होता तो हमारे पास जो है डाउरी देना नहीं है, जहेज देना नहीं है, उल्टा मेहर लेते, वलीमा जो है बच्चे की जिम्मेदारी रहती। तो ये पूरे फाइनेंशियल बर्डन्स जो है मर्दों पर है, ख्वातीन पे इस्लाम में फाइनेंशियल बर्डन्स नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपन वी आर फेवर्ड ईयर, उल्टा जो है ये तो हमारे हमारे लिए अच्छी बात है कि हमारे ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, इसलिए जो है हमारे पर शरिया लॉ के हिसाब से 25% शेयर है। दूसरा ये जो बोल रहे कि मैरिज एज 21 कर देंगे सभी के लिए, बच्चों के लिए, बच्ची के लिए, ताकि जो है एजुकेशन भी कम्प्लीट हो जाता, ठीक है वे एजुकेशन कम्प्लीट हो जाता अच्छी बात है। लेकिन देख लीजिए शरिया लॉ के हिसाब से जो 15 साल के बाद कोई भी लड़का या लड़की का निकाह हो सकता है वो उनकी मर्ज़ी के ऊपर है ना। इस्लाम में जो है ज़बरदस्ती से निकाह करना नहीं है, कोई भी बच्ची जो है अपनी मर्ज़ी से, इस्लाम में राइट टू चूज़
योर ओन पार्टनर भी है, राइट टू ओन अ प्रॉपर्टी, राइट टू ओन अ बिजनेस, तो आप अपनी मर्जी से निकाह कर सकते हैं। अगर उसके खिलाफ जाके शादी करें तो जो है वो निकाह इनवैलिड होता। और राइट टू एजुकेशन भी आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो वी ऑलरेडी हैव राइट्स, राइट टू डिवोर्स है थ्रू खुला, राइट टू मेंटेनेंस है टिल इद्दत पीरियड। और पॉलीगमी का जो बोल रहे हैं, पॉलीगमी की अगर हम बात करें तो इंडिया में सिर्फ मुस्लिम मर्दों को जो है इजाज़त है चार शादियाँ करने की, बाकी कोई रिलीजन में नहीं है। उसके बावजूद भी क्रिश्चियंस में सबसे ज़्यादा जो है पॉलीगमी प्रैक्टिस होती है, 2.1%। क्रिश्चियंस में 2.1% पॉलीगमी प्रैक्टिस होती है, हिंदूज़ में 1.3% है, दूसरे रिलीजन्स में 1.6% है, और सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में देखी जाती है, ट्राइबल्स में, जैसा कि मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। जबकि दूसरे रिलीजन्स में पॉलीगमी प्रैक्टिस करे तो इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ IPC। मुस्लिम्स में तो ये अलाउड है। उसके बाद भी वी हैव ओनली 1.9% पॉलीगमी के केसेस है। और चार शादियां करना अलाउड है, कंपलसरी नहीं है। तो कोई आप कोई 10 मर्दों के, कोई 10 आदमियों का नाम ले लेंगे जिसके चार शादियां हुए, कोई दिखा नहीं सकते कि कोई 10 या 5 लोगों को भी नहीं दिखा सकते कहेंगे चार शादियां हुए। तो इट इज़ कॉमन इन ऑल रिलीजियंस, जबकि पनिशेबल ऑफेंस है तो सिर्फ मुस्लिम्स में नहीं है, मुस्लिम्स का रेट भी बहुत कम है। थोड़ी अपोज कर रही है, ट्राइबल्स भी तो अपोज कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के भी तो लोग आए, क्रिश्चियंस भी आए, सिक्स भी आए, लेकिन लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये सिर्फ BJP, क्योंकि हमेशा मुसलमानों को टारगेट करती है, बस आप सोच रहे कि ये सिर्फ इससे मुसलमानों का नुकसान होगा, लेकिन एक्चुअली इससे सभी लोगों का नुकसान होगा, सभी रिलीजियंस का, ट्राइबल्स का होगा सबसे ज़्यादा, हिंदूज का होगा। कुछ अच्छाई भी हो सकता है, कुछ अच्छाई भी हो इसमें, जैसे कि एक पुराने शहर में एक जमात है, एक ग्रुप है जो चल रहा है, जो बता रहे हैं कि अगर ये UCC अगर लागू हुआ तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से रातों में जागना है और जीना है, शराब है, ये चीज़ों को बैन किया जाएगा, ऐसा आप उसको कैसा देखते हैं? कौन बोले भाई ये कि जो है शराब बैन हो जाएगा, जिना बैन हो जाएगा, रातों में जागना बैन हो जाएगा? उन्होंने बेचारे, पहली बात तो UCC का ड्राफ्ट आया नहीं, लेकिन फिर भी जो है मुत्तरगंड के ड्राफ्ट से अंदाज़ा लगा सकते, शराब पे पाबंदी लगाना और दूसरे चीज़ें जो है वो दूसरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है, UCC में नहीं है। UCC इज़ ओनली फॉर पर्सनल लॉस, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पर्सनल लॉस को पूरे रिलीजियस के हटा दे के एक कोड लाना, एक लॉ लाना, सिर्फ रिलीजियस पर्सनल लॉस के ऊपर है UCC और दूसरे चीज़ों के ऊपर नहीं है। जो शराब पे पाबंदी लगाना बोले, जो हैदराबाद के कोई लोग बोले बेचारे, शायद उन्होंने पढ़े नहीं, ये सब चीज़ें दूसरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है। और जैसा मैं अभी बोल रही थी कि कानून लाए तो कोई अच्छा कानून लाओ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी Article 36 से लेके Article 51 तक है, जिसमें शराब पे पाबंदी लगाना है, वर्कर्स के लिए इक्वल पे है, और प्रोटेक्शन ऑफ वीक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस है, कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन है, तो इतनी सारी अच्छी चीज़ें हैं, वो नहीं लाके ये सिर्फ UCC पे कॉन्सेंट्रेट क्यों कर रहे हैं? UCC सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, और Article 25 राइट टू फॉलो अवर ओन रिलीजियन, Article 29 विच गिव्स अस द राइट टू कल्चर, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, तो अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट सुपरसीड आर फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि बताया जा रहा है कि हो सकता है कि निकाह मैरिज हॉल की जगह कोर्ट में, देखिए ये सब चीज़ें तो जो है हम ड्राफ्ट आने के बाद ही बोल सकते हैं, लेकिन जो हमारा अंदाज़ा है कि पॉलीगमी तो सबसे पहले बैन कर देंगे, जो हर रिलीजन में कॉमन है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है, हमारे रिलीजन में खाली अलाउड है, इंकरेज नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही, लेकिन वो हर रिलीजन में कॉमन है। तो निकाह के बारे में तो हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस कंपलसरी कर देंगे और पॉलीगमी जो है बैन कर देंगे, और डिवोर्स ग्राउंड्स जो है वो सभी के लिए सेम रहेंगे। तलाक़ एक तरीके का रहेगा भाई, औरतों को भी जो है तलाक लेने का हक मिलेगा, मर्दों को भी मिलेगा। भाई हमारे रिलीजन में तो एक तरीका बता दिए, खुला के थ्रू जो है औरतें तलाक ले सकते, तो फिर हम आपको, ये हमारा शरिया लॉ है, ये हमको हमारा इस्लाम 1400 साल पहले बता दिया, तो अब हम हुकूमत के बनाए हुए कानून को क्यों फॉलो करेंगे? हमारे को तरीका शरिया में, हमारे कुरान में, हमारे नबी ने सब सिखा दिया, ऑलरेडी बता दिए, एंड वी आर हैप्पी। मुसलमान औरतों का जो है इस्लाम में बहुत बड़ा मुकाम है, बराबर का जो है हमारे हक मिला, अच्छे राइट्स दिए गए हैं, उसमें खुश है। जो 1400 साल से हम जो फॉलो करते आ रहे वही फॉलो करेंगे ना, और दूसरे भी रिलीजियंस हैं, उनके भी अपने अपने कायदे कानून हैं, वो उनके भी तो पर्सनल लॉज है, तो सबको सबका करने दिए तो ये चीज़ बेहतर रहेंगी ना। इसमें जो है सबके आप पर्सनल लॉज ख़त्म कर दे के एक लॉ लाने का कोई मतलब है ही नहीं इसमें। तो सीधी सीधी बात आप करेंगे जी,
और सभी से भी मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग भी उसकी मुखालिफत करें और अपने अपने राय और सजेशन ज़रूर 15 जुलाई तक जो पूछे वो लोग दीजिए, ज़रूर दीजिए।